हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 5 जिसका नेम है नाम वाले शब्द। क्या है? नाम वाले शब्द, नेमिंग वर्ड्स। ओके, इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आपने इंग्लिश ग्रामर में अभी नेमिंग वर्ड्स पढ़े थे ना, तो ये वही है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है आपको। बच्चों, आपको आपके माता पिता कैसे बुलाते हैं? आपके घर में आपके घर के बड़े लोग आपको कैसे बुलाते हैं? आपके नेम से, आपके नाम से, आपके नाम से ही तो बुलाते हैं। संसार में हर चीज का कोई ना कोई नाम जरूर होता है। इस दुनिया में चाहे कोई भी चीज हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उसका एक अपना नाम है जिससे हम उसको पहचानते हैं या उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। हम उन्हें उनके नामों से बुलाते हैं। और तो हम उन्हें किस नाम से जानते हैं या किस नाम से बुलाते हैं, वही हमारे क्या होते हैं? नाम वाले शब्द। इसका अर्थ है कि वे शब्द या वे वस्तु जिसका पर्टिकुलर, जिसका एक विशेष नाम होता है, वे क्या होते हैं? नाम वाले शब्द। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? सभी नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। क्या है? सभी नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ये बात सभी को समझ में आ गई? अब देखिए, नाम वाले शब्द के बारे में तो हमने जान लिया। अब नाम कैसे होते हैं? नाम कई तरह के होते हैं। व्यक्तियों के नाम होते हैं, वस्तुओं के नाम होते हैं, जगहों के नाम होते हैं, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, फूलों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, है ना। ऐसी सजीव वस्तुओं के नाम, निर्जीव वस्तुओं के नाम, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके सभी के नाम होते हैं इस दुनिया में। चाहे कोई सी भी चीज़ हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग, सभी के नाम होते हैं जिससे हम उनको पहचानते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है। नाम कई तरह के होते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है आपको? व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम में हम कैसे कि लड़के का नाम होता है, लड़की का नाम होता है। लड़के का नाम जैसे आरव, अमन, है ना। और ऐसे बहुत से नेम होते हैं ऐसी लड़कियों के नाम, शीला, दीक्षा, मीना, होते कि नहीं होते। और यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, पीवी सिंधु, लता मंगेशकर, है ना। तो ये है, ये जैसे कि अगर आपको इनकी पिक्चर दिखा दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इनके क्या नाम है, तो आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते? कौन है? महात्मा गांधी, क्योंकि हम उनके बारे में जानते हैं। अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति की फोटो दिखा दी जाए जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, तो आप उसके बारे में बता दोगे? नहीं ना। जब तक आप उसके बारे में जानोगे नहीं, तब इसका अर्थ है जब तक किसी व्यक्ति का नाम नहीं होगा तब तक हम उसको जानेंगे ही नहीं, है ना। तो अब ऐसे आपको क्या दिया गया है? पशु पक्षियों के नाम। क्या दिया गया है? पशु पक्षियों के नाम। पशु में जंगली जानवर, घरेलू जानवर, पालतू जानवर, है ना। ऐसे बहुत से जानवर होते हैं, दूध देने वाले जानवर। तो देखिए पशु पक्षियों के नाम में क्या दिया गया है आपको? शेर, तोता, गाय, मोर। शेर क्या होता है? जंगल का राजा। तोता पक्षी है। गाय जो हमें दूध देती है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और मोर क्या करता है? नाचता है। कब नाचता है? बरसात में। तो ये देखिए इनके एक पर्टिकुलर नेम है जिसकी मदद से हम इनको पहचान पाते कि ये कौन है, ये कौन है? शेर है। जब तक हमें इनके नाम नहीं पता होगा तब तक हम इनको पहचान पाएंगे? नहीं ना। तो इसीलिए ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई नाम होता है वे क्या कहलाते हैं? नाम वाले शब्द या संज्ञा कहलाते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आई? अब देखिए इसमें आगे, इसमें अब आपको दिया गया है जगहों के नाम। क्या दिया गया है? जगहों के नाम। इसमें आपको क्या क्या दिया गया है? स्कूल, वैन, बगीचा, अस्पताल,
तो इसमें और कौन कौन सी जगह हो सकती है? मंदिर हो सकती है, सॉरी मंदिर हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है बताइए। चिड़ियाघर हो सकता है, मस्जिद हो सकती है, गिरजाघर हो सकता है, ऐसी तो इस दुनिया में बहुत सी जगह है ना। तो जब तक उन जगहों के नाम नहीं होंगे तब तक हम उनको पहचान नहीं सकते। अगर हम जाते हैं पढ़ने के लिए, अगर कोई हमसे पूछे कि कहाँ जाते हो, तो वो जगह का नाम है ना कि आप कहाँ जाते हो, स्कूल जाते हो, तो स्कूल क्या हुआ, जगह हुई। आप पैसा जमा करने कहाँ जाते हो, ये तो नहीं कि आप अपने घर में ही रखे रहते हो पैसे को, पैसे को कहीं ना कहीं भी तो जमा करते होंगे, तो पैसे को हम कहाँ जमा करते हैं, बैंक में, है ना। तो ऐसे ही वे जगह जिनका कोई नाम होता है वे क्या होते हैं, जगह होती हैं। ऐसे स्थान जिनका कोई नाम होता है, जहाँ पर हम कोई काम करते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अभी आपको क्या दिया गया है, उसके आगे वस्तुओं के नाम। यहाँ पर आपको कुछ वस्तुएं दी गई, देखिए उनमें क्या क्या नाम दिए गए हैं, वस्ता, किताब, कुर्सी, गेंद, और कौन कौन सी वस्तु हो सकती है, मेज हो सकती है, पंखा हो सकता है ना, बल्ला हो सकता है, बोतल हो सकती है, ऐसी तो बहुत सी चीजें हैं जिसका प्रयोग हम करते हैं। वे सभी किस में आएंगी, वस्तुओं में, किस में आएंगी, वस्तुओं में। और फिर आपको इसके आगे क्या दिया गया है, फलों के नाम। क्या दिया गया है, फलों के नाम। फलों के नाम तो आप सभी जानते हो, जिनको हम खाते हैं, जैसे आम, केला, अंगूर, अनार, लीची, अमरूद, खरबूजा, तरबूजा, है ना। ऐसे तो बहुत से फल होते हैं, वे सभी क्या हैं, संज्ञा, क्योंकि उनका एक अलग नाम है। कोई आपसे पूछे कि हरा हरा क्या होता है, तो आप नहीं बता पाओगे। अगर कोई आपसे पूछे कि तरबूज कैसे कलर का होता है, तो आप बता दोगे हरा रंग, तो इसमें तरबूज क्या हुआ, संज्ञा हुआ ना। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है आगे आपको, सब्जियों के नाम। क्या दिया गया है, सब्जियों के नाम। सब्जियां जिसको हम भोजन के साथ खाते हैं, गोभी दिया है इसमें आपको, बैंगन, टमाटर, गाजर, आलू, है ना, प्याज, क्या हुए, ये सभी सब्जियों के नाम है। ठीक है, अब ऐसे क्या दिया गया है आपको, फूलों के नाम। इसमें आपको क्या दिया है, गुलाब, कमल, सूरजमुखी, गेंदा, और इसमें क्या होता है, गुड़हल, लिली, होते कि नहीं होते, ऐसे जिनका प्रयोग हम करते हैं। लेकिन हम इनको कैसे पहचानते हैं, उनके नामों से, उनके नामों से ही तो पहचानते हैं। तो ऐसे ही अब आपको इसमें नेक्स्ट क्या दिया गया है, शरीर के अंगों के नाम। क्या क्या दिया गया, हाथ, पैर, आंख और नाक। शरीर के अंगों के बारे में तो आप जानते हो, शरीर में तो बहुत सारे अंग होते हैं, लेकिन हम उनको कैसे पहचानते हैं, उनके नामों से। तो इस चैप्टर में आपको क्या दिया गया है, इस चैप्टर में आपको दिया गया है, वे शब्द या वे वस्तुएं जिनका कोई एक विशेष नाम होता है, उनको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, या नाम वाले शब्द कहते हैं। तो बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया, कल हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, तो कल हम फिर से मिलेंगे, बाय।